हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिलैरिटी के बारे में। सरफेस टेंशन की वजह से ही ये प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है, ये सरफेस टेंशन का ही पार्ट है। तो हमने अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरीके का फेनोमेनन, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, ज़रूर देखा होगा। जब भी हम किसी लिक्विड में, या कहें यूं कि पानी में, हम ये ट्यूब डालते हैं, तो हम देखते हैं पतला सा ट्यूब के अंदर ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। या फिर अगर हम मरकरी के अंदर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मरकरी जनरली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर मरकरी के अंदर हम इस तरीके से ट्यूब डालें तो ये पानी जो है इस ट्यूब में नीचे की तरफ जाने लगता है। ये जो फेनोमेना है, ये फिनोमिना कहलाता है कैपिलैरिटी। और पानी का राइज या फॉल होना ये एक्शन कैपिलरी एक्शन कहलाता है। अगेंस्ट ग्रेविटी ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये एक्शन कहलाएगा कैपिलरी एक्शन। और ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कहलाएगा कैपिलैरिटी। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये समझने के लिए सरफेस टेंशन वाला जो वीडियो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक फोर्स मैंने बताया था, एडहेसिव फोर्स, और एक फोर्स बताया था कोहेसिव फोर्स। तो ये दोनों फोर्स आपको पता होना चाहिए इस वीडियो को, इस कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए। तो देखिए, जब हम कैपिलैरिटी एक्शन को हम समझते हैं, जब हम इस ट्यूब में, इस पानी के अंदर इस ट्यूब को डालते हैं, तो हम जानते हैं कि वाटर के केस में जो आपका एडहेसिव फोर्स होता है वो ग्रेटर देन होता है कोहेसिव के। मतलब ये कि पानी जो है वो दूसरों के साथ जल्दी दोस्ती करता है इन कंपैरिजन विद अपने लोगों के, यानी कि अपने लोगों से वो कम दोस्ती रखता है और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनसे वो जल्दी दोस्ती कर लेता है। अब जैसे ही हम इस ट्यूब में, इस पानी में इस ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो दूसरों के साथ दोस्ती ज़्यादा करते। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये वाटर के मॉलिक्यूल ये दूसरों के साथ ज़्यादा दोस्ती करते हैं, तो ये जाके चिपक जाते हैं वॉल के साथ। और ये वॉल जब यहाँ पे चिपका, तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे जो चिपके हैं, ये और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ये चाहेंगे कि हम और ऊपर चढ़ जाएं। तो इस तरीके से ये दूसरों के साथ दोस्ती रखने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसके वजह से जैसे ही हम ट्यूब को अंदर इंसर्ट कराते हैं, ये ऊपर 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 इस तरीके से चढ़ते चले जाते हैं। कब तक चढ़ते हैं? जब तक इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, या PI लिखूं, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, और ये ट्यूब से बाहर का प्रेशर, प्रेशर आउटसाइड द ट्यूब, दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इसके जस्ट उल्टे इस मरकरी की बात करें, तो मरकरी में हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एडहेसिव के। मतलब ये कि मरकरी जो है वो अपने लोगों से ज़्यादा दोस्ती रखता है इन कंपैरिजन के बाहर वाले लोगों से वो दोस्ती ना करे, वो बाहर वाले लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता है। तो जब मरकरी में हम ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं, तो ये नहीं चाहता है कि हम इसके साथ दोस्ती करें, तो ये आपस में ही लोग अपने लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो ये क्या चाहता है कि हम नीचे अपने तरफ आएँ, नीचे अपनी अपने लोगों के पास आएँ। यहाँ भी देखो, ये नीचे अपने लोगों के पास आना चाहता है, जिसकी ये जो चाहता है कि हम ग्लास के साथ, या जो कंटेनर का दीवार है उसके साथ हम दोस्ती ना करें। तो जैसे ही हम ट्यूब को इस मरकरी के अंदर इंसर्ट कराते हैं,
तो ये ऊपर ना चढ़ने के बजाय नीचे चढ़ता है, नीचे की तरफ जाता है। ये किस वजह से? क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो ये नीचे तरफ चला जाता है। कब तक नीचे जाएगा? जब तक प्रेशर इनसाइड द ट्यूब बराबर ना हो जाए प्रेशर आउटसाइड द ट्यूब के, तब तक ये नीचे जाएगा। तो ये रीज़न है वाटर के राइज करने का या फॉल करने का। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि हम ऑयल लैंप में, लैंप जो होता है आपका, लैंप में हम किरोसिन ऑयल नीचे की तरफ डालते हैं और इसका जो इसमें जो कॉटन लगा होता है वो ऊपर की तरफ लगा होता है इस तरीके से, जो कि जलता है, है ना। तो हम जो ऑयल डाल रहे हैं वो नीचे डाल रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है? तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, और ये फिर जल के हमें रोशनी देता है। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल जनरली पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, जब जो आपका पेड़ पौधा होता है उसमें हम पानी कहाँ डालते हैं? तो इसके जड़ में डालते हैं। ये गमला है, गमले में ये जड़ है इसका, इसमें हम पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो इसके इसका इसकी जो पत्ती होती है ये तो ऊपर होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। यहाँ से जो हमने पानी डाला इसके जड़ में, तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाता है इनके पत्तियों पे। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उन सब में भी ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ये तो मैंने पौधा बताया है, गमले के केस में जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है वो ज़मीन में ऐसा इस तरीके से लगा रहता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो उन सब में कैपिलरी एक्शन की वजह से पेड़ में पानी ऊपर की तरफ पहुंचता है और वो ऊपर वाला जो पेड़ पत्ती फूल इन सबको न्यूट्रिशन मिल पाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। एक और एग्जांपल आपने पहले के ज़माने में फिल्मों में देखा होगा कि इस तरीके से एक डब्बे में इंक रखा होता है और लिखने वाला पेन को इस इंक में डुबाता है और डुबा करके फिर पेपर पे लिख पाता है, पेपर पे इस तरीके से लिख पाता है। तो ये जो पेन है ये नॉर्मल पेन नहीं होता, ये इस पेन में इस तरीके से एक बीच में दरार बनी होती है। जैसा हम पेन इस्तेमाल करते हैं ये तो बॉल पेन है, ये बॉल पेन नहीं होता है, वो फाउंटेन पेन होता है। उसमें क्या होता है कि इस तरीके से बीच में दरार बनी होती है। जब हम पेन को इस इंक में डुबोते हैं तो कैपिलरी राइज की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये इंक इस पेन में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। फिर जब हम इस पे लिखते हैं तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पेपर इस इंक को एब्जॉर्ब करता है, जैसा लैंप के कॉटन ने ऑयल को एब्जॉर्ब किया था, उसी तरीके से ये पेपर इस इंक को एब्जॉर्ब करता है। फिर लिखते लिखते जब इंक इसमें से ख़त्म हो जाता है तो फिर से राइटर इस इंक में पेन को डुबाता है और फिर से लिखता है। ये पहले पेन होता था, अब ये नहीं है। तो इस तरीके से ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक बाय कैपिलरी एक्शन। और एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं कि उनके घर की दीवारें जो है वो आधे दूर तक भीगी हुई रहती है, ये गीला रहता है, ऊपर का ठीक है लेकिन ये गीला रहता है नीचे का। इसका रीज़न क्या है कि दीवार जो है वो कैपिलरी एक्शन से ज़मीन के नीचे की नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो ज़मीन है ग्राउंड,
ग्राउंड की नमी को कैपिलरी एक्शन की वजह से ये नमी ऊपर की तरफ चढ़ता है और दीवारों को भिगो करके रखता है। जब भी बारिश होगी तो ये और ज़्यादा गीला हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड में नमी ज़्यादा हो गई। और एग्ज़ाम्पल कि हम जब अपने अपने बॉडी पे टॉवल रखते हैं तो हमारे बॉडी से नमी टॉवल पे चढ़ जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। ये टॉवल जो है बॉडी के नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम अपने बॉडी को सुखा पाते हैं। ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। द एक्शन ऑफ टॉवल सॉकिंग अप मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ कॉटन इन द टॉवल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कैपिलरी एक्शन के। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ मेनिस्कस की। मेनिस्कस क्या होता है? तो ये जो फिगर है, इस फिगर का ये वाला हिस्सा को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ये हिस्सा। तो देखिए इसमें क्या है, ये है आपका कैपिलरी ट्यूब और ये है आपका लिक्विड यानी वाटर। और ये जो लिक्विड का टॉप लेयर है इसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। लिक्विड सरफेस का टॉप लेयर इनसाइड द ट्यूब इज कॉल्ड मेनिस्कस। अब ये जो मेनिस्कस है ये दो तरीके का होता है। हमने पहले वाले वीडियो में जब हम मरकरी और वाटर को कंपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि वाटर का शेप जो होता है वो कनकेव होता है और मरकरी का जो शेप होता है वो कन्वेक्स होता है। तो शेप जो है ये वाटर के केस में कनकेव क्यों होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने ट्यूब को पानी के अंदर डुबाया तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ा। ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। अब हम जानते हैं कि एडहेसिव फोर्स जो होता है वो पानी के केस में ज़्यादा होता है और ऊपर की तरफ होता है, इस वजह से तो पानी ऊपर चढ़ता है। तो एडहेसिव फोर्स ऊपर की तरफ इसमें काम करता है। लेकिन अगर कोहेसिव फोर्स की हम बात करें तो कोहेसिव फोर्स क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, ये होता है कोहेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स जो है ये इस तरफ काम करता है ना। दो मॉलिक्यूल हैं तो इन दोनों के बीच का फोर्स कोहेसिव फोर्स जो कि इस तरफ काम कर रहा है। तो कोहेसिव फोर्स है इस तरफ, एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स हो गया आपका एडहेसिव जो कि ऊपर की तरफ हो गया। तो दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा जिसे मैंने आर से दिखाया है। तो दो तरीके का फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स आप समझ गए। अब मैं बात करूं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कैसे, क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पहले वीडियो में बताया है। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब ये एंगल जो है ये बराबर होगा इस एंगल के। ये हम मैथ से जानते हैं कि ये भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, अगर जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम थीटा कंसीडर करें तो ये जो एडहेसिव फोर्स है ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। कैसे हम निकाल रहे हैं? क्योंकि ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। तो बी हो जाएगा, बी और एच का रिलेशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ये हो जाएगा एडहेसिव फोर्स टी कॉस थीटा। और कोहेसिव फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। ये जो बराबर, ये जो लाइन है ये ही ना होगा पी, यहाँ थीटा है तो ये बी और ये पी है ना, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये पी बराबर होगा इसके इसके, है ना, ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी है।
तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा। तो जो आपका दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ काम कर रहा है, जिसकी वजह से शेप जो होगा वो इधर ऐसे चढ़ने लगेगा। सिमिलरली अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ भी हम कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर सी, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसा। तो शेप जो है किधर भागेगा? इस तरफ। तो इस वजह से जो शेप है वो आपका इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है, दोनों तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और बीच में, क्योंकि बीच में एडहेसिव फोर्स नहीं है तो ये नीचे ही की तरफ रह जाता है। तो शेप जो है वो आपका कनकेव बन जाता है। ये जो टी साइन थीटा है और टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा, इसके बारे में हम रिलेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ गए हैं कि हम टी साइन थीटा हमने क्यों लिखा है और टी कॉस थीटा हमने क्यों लिखा है। तो शेप ऑफ मेनिस्कस जो होगा वो वाटर के केस में कनकेव होता है। अब हम मरकरी की बात करें, अगर ये है आपका ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, और इसमें जो है ये है आपका शेप ऑफ मेनिस्कस, टॉप लेयर ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो ये आपका कन्वेक्स है। कन्वेक्स क्यों हो गया है ये समझिए। हम जानते हैं कि एडहेसिव फोर्स जो है वो मरकरी के केस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद कोहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स चाहता है, एडहेसिव फोर्स क्या है, दो मॉलिक्यूल और कंटेनर, वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के बीच का फोर्स, ये एडहेसिव फोर्स है। तो चूंकि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा, सॉरी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है मरकरी के केस में, तो ये कोहेसिव फोर्स क्या चाहता है कि हम अपने मॉलिक्यूल से ही दोस्ती करें, हमने देखा ऊपर। तो एडहेसिव फोर्स जो नीचे की तरफ काम करता है और कोहेसिव फोर्स इस तरफ काम करता है ना, हमने देखा कि मरकरी जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। तो एडहेसिव फोर्स किधर है? नीचे की तरफ है, और कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन तो वही रहता है, लिक्विड कोई भी हो। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और यहाँ भी देखेंगे आप तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर सिमिलर सेम फिगर हम इस तरफ बनाएं तो शेप जो है वो आपका, देखिए दोनों तरफ नीचे इस तरफ आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स, दोनों तरफ रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मेनिस्कस का फोर्स कैसा हो जाता है, कंटेनर के साइड नीचे की तरफ, और बीच में क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्स है, इसलिए ये ऊपर की तरफ रह जाता है। तो शेप आपका बन जाता है कन्वेक्स इस तरीके का। तो मरकरी के केस में कुछ इस तरीके से होता है। सिमिलर आप, मैंने यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के लिए टी साइन थीटा लिखा है और एडहेसिव फोर्स के लिए टी कॉस थीटा लिखा है। ये पहले वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये है एफ का एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ भी ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। यहाँ पे ये थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा एच हाइपोटेनस, और यहाँ पे होगा पी, और ये पी बराबर होगा इस लाइन के। तो ये हो गया आपका टी साइन थीटा, और यहाँ बेस है तो ये हो गया आपका टी कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, कि सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज और रेडियस ऑफ कैपिलरी में क्या रिलेशन है। तो
जो पीगर था ये वाटर वाला मैंने कंसीडर किया है। मरकरी के केस में भी आप फिगर कंसीडर कर सकते हो। तो कुछ जो नेमिंग है उसका मैंने नेमिंग कर दिया है, जैसे ये वाटर है और ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है आर, है ना। ट्यूब का कुछ ना कुछ रेडियस होगा तो वो आर, स्मॉल आर से दिखाया है। और ये चीज़ सारा डिनोशन तो आप समझ रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंने बताया। और ये है कि हाइट है कि पानी कितना ऊपर चढ़ा। अगर पानी डिप्रेस होता तो डिप्रेस के केस में आपका हाइट कुछ इस तरीके से होता। देखो जैसे मरकरी वाले एग्जांपल में चलें, ये है मरकरी का एग्जांपल। तो इसमें डिप्रेस कितना हुआ, तो पानी का लेवल ये है और डिप्रेस कितना हुआ है ये, तो इन दोनों के बीच का ये हो जाएगा आपका हाइट h। और वाटर के लिए केस में ये आपका हाइट है h। अब हम चलते हैं फिगर समझते हैं, नीचे का रिलेशन। तो इन सब के बीच अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन आएगा आपका सरफेस टेंशन टी। सरफेस टेंशन का ये दूसरा फार्मूला है, सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू आर एच रो जी डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। आर क्या है आपका, आर है आपका रेडियस ट्यूब का, एच कितना हाइट चढ़ा लिक्विड का, आर हो गया आपका रेडियस, एच हो गया कि लिक्विड की हाइट कितनी है, कितना ऊपर तक चढ़ा या कितना डिप्रेस हुआ, रो है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ये रो है, जी हो गया ग्रेविटी, 2 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन के लिए फार्मूला। अगेन कि डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है। अब बात करूं मैं कि इम्प्योरिटी का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो किसी भी लिक्विड में अगर आप बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि देखो सरफेस टेंशन क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब हम इम्प्योरिटी बाहर से अगर ऐड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन मॉलिक्यूल के बीच में ही जाएगा। तो मॉलिक्यूल के बीच में अगर जाएगा तो दो मैग्नेट के बीच में, अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन दो मैग्नेट के बीच में अगर कोई मटेरियल हम रख दें तो मैग्नेट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो सरफेस टेंशन कम। तो सरफेस ऑर्गेन इम्प्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन कम होगा, यानी कि सरफेस टेंशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इम्प्योरिटी के। अब बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अगर टेम्परेचर दोगे, मान लिया वाटर को, वाटर एक एक्सेप्शन केस है, इसका हीट जब हम पढ़ेंगे तो हीट में हम देखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी वाटर एक्सपैंड होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी वाटर एक्सपैंड होता है। तो वाटर एक्सेप्शन है, बाकी सारे चीज़ों के लिए, या ऑयल लो या हनी लो, कुछ भी चीज़ लो, अगर आप हीट दोगे तो वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा,
है ना। किसी भी चीज़ को आप हीट दोगे, लोहे को हीट देते हैं हम, तो क्या होता है, वो फैलता है। इसीलिए रेलवे ट्रैक थोड़ा दूर दूर पे लगाया जाता है। ये पढ़ा होगा आपने कि रेलवे ट्रैक को हम थोड़ी दूर पे लगाते हैं ताकि गर्मी के दिनों में जब ये फैले तो ये रेलवे ट्रैक टेढ़ा ना हो जाए। रेलवे ट्रैक टेढ़ा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो फैलेगा, एक्सपैंड होगा। तो अगर फैलेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना। मान लिया कि आपने ऑयल को गर्म किया तो वो फैल गया, 1 लीटर बन गया 1.5 लीटर, तो फैल गया, तो फैलने से उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब दो मैग्नेट को अगर आप दूर दूर रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हो जाएगा। दो मैग्नेट को अगर हम दूर ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो उसी तरीके से दो मॉलिक्यूल्स को हमने दूर कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो किसी यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी।